एक समय की बात है जब टेनिस की दुनिया में रॉजर फेडरर और राफेल नडाल दो ऐसे खिलाड़ी हुआ करते थे जिनके सामने दुनिया का कोई भी दूसरा खिलाड़ी टिक नहीं पाता था। फिर चाहे बात ऑस्ट्रेलियन ओपन की हो, फ्रेंच ओपन की, यूएस ओपन की या फिर विंबलडन की, ग्रैंड स्लैम का कोई भी टाइटल हो, विजेता इन्हीं दो खिलाड़ियों में से होना तय था। तब मैं अक्सर सोचा करता था, क्या पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा खिलाड़ी नहीं है जो इन दोनों खिलाड़ियों को हरा सके और इनकी बराबरी कर सके। और जल्द ही टेनिस के दुनिया में एक बड़ा उलटफेर हुआ जब वर्ष 2008 ऑस्ट्रेलियन ओपन के सेमीफाइनल में रॉजर फेडरर को हराते हुए नोवाक जोकोविक ने फाइनल में जगह बनाई और फाइनल्स में जो विल्फ्रेड सोंगा को हराकर ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतने वाले वो पहले सर्बियन खिलाड़ी बने। और यहीं से एक महान सफर की शुरुआत हुई और टेनिस की दुनिया में एक नए स्टार का जन्म हुआ जो आगे चलकर रॉजर फेडरर और राफेल नडाल की बराबरी करने वाला था। पर इस कहानी की शुरुआत यहाँ से नहीं होती, इस कहानी की शुरुआत होती है 22 मई 1987 बेलग्रेड सर्बिया से, क्योंकि आज ही के दिन इस महान खिलाड़ी का जन्म हुआ। नोवाक के दो यंगर ब्रदर्स हैं जो प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर्स रह चुके हैं और उनके पेरेंट्स एक फैमिली स्पोर्ट्स कंपनी चलाते थे जहाँ 3 रेस्टोरेंट्स और एक टेनिस एकेडमी हुआ करती थी। नोवाक ने 4 साल की उम्र से ही टेनिस खेलना शुरू कर दिया था। जब नोवाक 6 साल के रहे होंगे तब एक दिन यूगोस्लावियन टेनिस लेजेंड जेलेना जेंसिक की नज़र उन पर पड़ी और उन्होंने अगले 6 साल तक नोवाक की कोचिंग की। नोवाक जोकोविक के जीवन में एक समय ऐसा भी आया जब फॉर्मर यूगोस्लाविया में वार और बेलग्रेड में बॉम्बिंग की वजह से करीब 3 महीनों तक नोवाक को अपनी फैमिली के साथ हर रात अपने घर के बेसमेंट में गुजारनी पड़ी। उस समय को याद करते हुए जोकोविक कहते हैं कि जंग के उस मुश्किल दिनों की वजह से उन्होंने और भी लगन से टेनिस खेलना शुरू कर दिया। नोवाक जोकोविक बचपन से ही टेनिस बहुत ही तेजी से सीख रहे थे, जिसे देखते हुए उनके कोच जेनेसिक ने निकोला पिलिक से कॉन्टैक्ट किया और सेप्टेम्बर 99 में सिर्फ 12 साल की उम्र में नोवाक पिलिक टेनिस एकेडमी चले गए जहां उन्हें और भी टफ कंपटीशन फेस करना था। 14 साल की उम्र में जोकोविक यूरोपियन सिंगल्स, डबल्स और टीम कंपटीशन के चैंपियन बने और इसके बाद यूगोस्लाविया की तरफ से खेलते हुए वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता। 5 ITF टूर्नामेंट जीतने के बाद 16 साल की उम्र में बेस्ट जूनियर टेनिस प्लेयर इन द वर्ल्ड की लिस्ट में उन्हें 40वें स्थान पर रखा गया। 2004 में उन्होंने अपना पहला ATP चैलेंजर टूर्नामेंट जीता और इसके बाद उन्होंने विंबलडन के लिए भी क्वालिफाई किया और पहली बार वो दुनिया के टॉप 100 टेनिस प्लेयर्स में शामिल हुए। नोवाक जोकोविक सिर्फ टेनिस ही नहीं बल्कि लैंग्वेजेस में भी बहुत रुचि रखते हैं। उन्हें सर्बियन के साथ साथ इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन और इटालियन लैंग्वेजेस भी बोलनी आती हैं। वर्ष 2014 में नोवाक ने अपनी लॉन्ग टर्म गर्लफ्रेंड जेलेना रिस्टिक से शादी की। पहली बार उनकी मुलाकात स्कूल में ही वर्ष 2005 में हुई थी। आज उनके एक बेटा और एक बेटी है। जोकोविक अपने शानदार प्रदर्शन को जारी रखते हुए वर्ष 2005 ऑस्ट्रेलियन ओपन के लिए क्वालिफाई करने में सफल हुए, पर यहाँ उन्हें फर्स्ट राउंड में ही उस समय के चैंपियन मरत सफिन से हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद वो विंबलडन और यूएस ओपन के 3rd राउंड तक पहुंचने में सफल रहे, पर कामयाबी उनके हाथ अब तक नहीं लगी थी। ग्रैंड स्लैम के क्वार्टर फाइनल तक पहुंचने की वजह से नोवाक लंबी छलांग लगाते हुए वर्ल्ड सिंगल्स की रैंकिंग में दुनिया के टॉप 40 प्लेयर्स में शामिल हो गए और इसके बाद डेविस कप में उनके शानदार प्रदर्शन के बाद ग्रेट ब्रिटेन ने उन्हें ब्रिटेन की तरफ से खेलने के लिए ऑफर किया, पर नोवाक ने कहा कि वो एक प्राउड सर्बियन है और अगर वो ब्रिटेन के लिए खेलते तो वैसे ही खेलते जैसे अपने देश के लिए, पर अंदर से वो कभी इस बात से संतुष्ट नहीं हो पाते, फिर चाहे ग्रेट ब्रिटेन उन्हें कितनी भी सहूलियतें क्यों ना दे। वर्ष 2007 में एक बार फिर से नोवाक 4th राउंड में रॉजर फेडरर से हारकर बाहर हो गए, पर मास्टर्स सीरीज के मायामी इवेंट्स में उन्होंने जीत हासिल की और दुनिया के टॉप 10 प्लेयर्स में शामिल हो गए। पर ग्रैंड स्लैम का सूखा अभी भी खत्म नहीं हुआ था। इंडियन वेल्स में राफेल नडाल, ऑस्ट्रेलियन ओपन में रॉजर फेडरर, मोंटे कार्लो मास्टर्स में डेविड फेरर और एक बार फिर से फ्रेंच ओपन में सेमीफाइनल तक पहुंचकर राफेल नडाल से हार। बेहतरीन खेल, अद्भुत प्रतिभा और जी तोड़ मेहनत के बावजूद नोवाक बड़े टूर्नामेंट्स को जीत नहीं पा रहे थे। और फिर बारी आई रॉजर्स कप की, जहां उन्होंने इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाली परफॉर्मेंस दी। सबसे पहले क्वार्टर फाइनल में नोवाक ने वर्ल्ड नंबर 3 एंडी रॉडिक को हराया और सेमीफाइनल्स में नंबर 2 नडाल को हराते हुए फाइनल्स तक पहुंच गए।
और दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी रॉजर फेडरर को हराते हुए इतिहास रच दिया। बोरिस पेकर जिन्होंने ये कारनामा 1994 में किया था, इनके बाद नोवाक दूसरे ऐसे खिलाड़ी बन गए जिन्होंने एक टूर्नामेंट में दुनिया के टॉप 3 रैंक्ड प्लेयर्स को हराया। वर्ष 2008 नोवाक के टेनिस करियर का सबसे बड़ा साल होने वाला था। इस साल नोवाक लगातार दो बार बिना कोई सेट गवाए ग्रैंड स्लैम के फाइनल तक पहुंचने वाले खिलाड़ी बने और एक बड़ा वाला फेर करते हुए सेमीफाइनल्स में नोवाक ने डिफेंडिंग चैंपियन रॉजर फेडरर को हराते हुए फाइनल्स में प्रवेश किया और फाइनल्स में जो विल्फ्रेड सोंगा को हराते हुए अपने कैरियर का पहला ग्रैंड स्लैम सिंगल्स टाइटल जीता। 2005 के बाद यह पहला मौका था जब ऑस्ट्रेलियन ओपन के विजेता फेडरर और नाडाल नहीं थे और टेनिस की दुनिया में एक नए स्टार का जन्म हुआ और आने वाले सालों में उन्होंने टेनिस की दुनिया में कई कीर्तिमान स्थापित किए। 2009 में ब्रिस्बेन इंटरनेशनल, सिडनी इंटरनेशनल और ऑस्ट्रेलियन ओपन से बाहर हो जाने के बाद दुबई टेनिस चैंपियनशिप से जीत की शुरुआत की। वर्ष 2009 में नोवाक ने 10 फाइनल्स खेले और 5 टाइटल जीते। साथ ही इस साल शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए 97 मैचेस में से 78 में जीत हासिल की और लगातार तीसरे साल वर्ल्ड रैंकिंग में तीसरे स्थान के साथ साल खत्म किया। वर्ष 2010 में नोवाक ने सर्बिया को पहला डेविस कप जीतने में अहम भूमिका निभाई और साल 2011 उनके कैरियर के लिए अभी तक का सबसे सफल साल रहा। इस वर्ष नोवाक ने 10 टूर्नामेंट्स जीते जिसमें से 3 ग्रैंड स्लैम्स रहे, ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन और द यूएस ओपन। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके बाद उन्होंने 5 ATP मास्टर्स टाइटल का भी खिताब जीता और ATP टूर के सिंगल सीजन में सबसे ज़्यादा प्राइज मनी $12 मिलियन जीतने का रिकॉर्ड बनाया। इस साल उन्होंने लगातार 41 मैचेस जीते और फ्रेंच ओपन के सेमीफाइनल्स में रॉजर फेडरर ने नोवाक के इस विनिंग स्ट्रीक को तोड़ा। जोकोविक ने इस साल रिकॉर्ड 70 मैचेस जीते और सिर्फ 6 मैचेस में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। साल का एंड उन्होंने वर्ल्ड नंबर 1 खिलाड़ी के रूप में किया। टेनिस के महान खिलाड़ियों ने नोवाक जोकोविक के इस शानदार प्रदर्शन की जमकर तारीफें की। लगातार 42 मैचेस जीतने के क्रम में उन्होंने टेनिस के हर बड़े खिलाड़ी को हराया, फिर चाहे वो राफेल नाडाल हो या रॉजर फेडरर। नाडाल डिस्क्राइब्ड जोकोविक्स परफॉर्मेंस एज प्रोबेबली द हाईएस्ट लेवल ऑफ टेनिस दैट आई एवर सॉ। 2011 में उन्हें ITF वर्ल्ड चैंपियन चुना गया। जीत और हार का सिलसिला चलता रहा। साल 2012 के ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल का वो यादगार मैच जब जोकोविक और नाडाल ने अद्भुत खेल दिखाते हुए 5 घंटे और 53 मिनट तक जीत के लिए संघर्ष करते रहे और अंत में जीत जोकोविक को मिली। ओपन एरा हिस्ट्री में ग्रैंड स्लैम फाइनल का ये मैच सबसे लंबा रहा। लगातार दूसरे वर्ष 2012 में भी इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन की तरफ से जोकोविक को 2012 ITF वर्ल्ड चैंपियन चुना गया। आने वाले सालों में लगातार जोकोविक का शानदार प्रदर्शन जारी रहा। वर्ष 2013 में उन्होंने 4th टाइम ऑस्ट्रेलियन ओपन अपने नाम किया। लगातार 3 सालों तक ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने का रिकॉर्ड भी उन्होंने बनाया। इसी तरह 2014 में उन्होंने अपना दूसरा विंबलडन का खिताब जीता। साल 2015 एक बार फिर से उनके कैरियर के सबसे शानदार सालों में से एक रहा। इस साल उन्होंने 3 ग्रैंड स्लैम टाइटल जीते। इसके साथ ही 10 या उससे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतने वाले वो दुनिया के 5वें खिलाड़ी बने और इसके साथ साथ एक कैलेंडर ईयर्स में 4 ग्रैंड स्लैम फाइनल्स में पहुंचने वाले दुनिया के सिर्फ 3रे खिलाड़ी होने का रिकॉर्ड बनाया। 2016 में जोकोविक ने रॉजर फेडरर को पीछे छोड़ते हुए सबसे ज़्यादा कैरियर अर्निंग $98.2 मिलियन का रिकॉर्ड बनाया। 2016 में कैरियर ग्रैंड स्लैम अचीव करने वाले वो दुनिया के 8th प्लेयर बने और फर्स्ट प्लेयर टू विन 100 मिलियन इन प्राइज मनी। इन सारे शानदार प्रदर्शन और रिकॉर्ड्स के अलावा न जाने कितने और रिकॉर्ड्स टेनिस के इस लेजेंड ने बनाए और तोड़े। 2019 विंबलडन में जोकोविक ने अपना 16th ग्रैंड स्लैम टाइटल जीता। रॉजर फेडरर के साथ चले इस एपिक फाइनल जो कि विंबलडन के इतिहास में सबसे लंबी 4 घंटे 57 मिनट तक हुए इस मैच में जोकोविक ने जीत हासिल की। 1 मार्च 2021 को जोकोविक ने फेडरर के 310 हफ्तों तक नंबर एक बने रहने के रिकॉर्ड की बराबरी की और फिर उससे आगे भी अपना रिकॉर्ड बनाया। रॉय एमर्सन और रॉड लेवर के बाद जोकोविक 2 बार कैरियर ग्रैंड स्लैम जीतने वाले दुनिया के 3रे खिलाड़ी बने। विंबलडन 2021 टाइटल जीतकर उन्होंने रॉजर फेडरर और राफेल नाडाल के 20 ग्रैंड स्लैम टाइटल्स की बराबरी की। नोवाक जोकोविक कितने महान खिलाड़ी हैं इस बात का अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि अब तक जोकोविक और फेडरर के बीच टोटल 50 टाइम्स हुए मैचेस में से 27 मैचेस जोकोविक ने और 23 मैचेस फेडरर ने जीते हैं। वहीं राफेल नाडाल के साथ टोटल 58 मैचेस में से 38 जोकोविक ने
और 28 नाडाल ने जीते हैं। जोकोविक इज वाइडली कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टेनिस प्लेयर्स ऑफ ऑल टाइम। इतना ही नहीं, ही इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिटर्नर्स इन द हिस्ट्री ऑफ द स्पोर्ट। सो फ्रेंड्स, ये थी टेनिस के लेजेंड नोवाक जोकोविक की कहानी। तो कैसी लगी ये बायोग्राफी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल बायोग्राफी की दुनिया को। जल्द ही मिलते हैं एक और मोटिवेशनल स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।